देश में जो अमन और खुशहाली के लिए पूरे दुनिया के लिए वहाँ दुआ की जाती है। अल्लाह ने नेक इंसान को जिन्होंने इंसानियत और मानवता के लिए हमेशा काम किया, अल्लाह और उसके रास्ते पर चले। और कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में, चाहे कोई धर्म हो, हमारा जो चारों धाम है, जो जितना धाम है, फिर कहीं हम जाते हैं अमृतसर, वहाँ धाम है, मक्का में जो आज अल्लाह ने यहाँ से 5,000 लोग लगभग बिहार से गए हैं। यह एक सुखद पल है सबके लिए, परिवार के लिए भी, पड़ोस के लिए भी, समाज के लिए भी, कि हमारे बीच से कोई एक नेक बंदा को अल्लाह ने अपने पास दुआ में शरीक होने बुलाया। बिहार के 14.5 करोड़ लोगों के अमन के लिए, जिंदगी के लिए, एक अच्छी बेहतरी जिंदगी के लिए, नफरत खत्म हो, इंसानियत बचे, जो पैगाम है हर इस धर्म मजहब का, भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव सार्वभौमिकता, उस पैगाम के साथ वहाँ सबके लिए दुआएं की जाएगी। परिवार से लेकर पूरा देश हमारा परिवार है, पूरा दुनिया हमारा परिवार है। और मुझको बहुत खुशी हुई कि हम अपनों को आज खुशी खुशी से हमने उस जगह भेजा है जहाँ से हर बंदे के लिए, अल्लाह के द्वारा बनाए हुए हर जीव बंदे के लिए वहाँ पर दुआएं की जाएगी। तो पटना से कई लोग हज भवन की यात्रा पर हैं और वहाँ पर देखिए कि जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, सभी से मिल रहे हैं, लोगों को गुलाब दे करके जो है उनको रवाना कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ से लगभग जो है 9 से 10 बजे जो है बसें खुलती हैं गया के लिए, और गया से वो उड़ान जो है वो सऊदी अरब के लिए निकलेगी। वहाँ से लगभग 40 दिन का ये यात्रा रहता है, हज का यात्रा रहता है, और 40 दिनों के यात्रा में जो है जो परिवार के लोग हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, सभी लोगों को जो है एक तरह से छोड़कर जो है परिवार वाले से रुखसत होकर के वो मिलते हैं। और यहाँ देखिए कि पप्पू यादव जो है वो बस में जा रहे हैं लोगों से मिलने, और जो लोग हैं उनका एक तरह से जो है वो अभिवादन करने जा रहे हैं, उनको रवाना करने जा रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखिए कि बिहार के सभी जिलों के लोग यहाँ पहुँचे हैं, खास करके हज यात्री को रवाना करने के लिए। कोई परिवार भावुक है, कोई परिवार जो है वो दुखी है अपने से बिछड़ने का, लेकिन ये जो एक तरह से बिछड़ना है वो मात्र 40 दिन का ही होगा, लेकिन परिवार को छोड़ करके जाना उनके लिए एक विपता से कम नहीं है। ये सभी लोग जो हैं अपने अपने किसी न किसी उनके परिवार के लोग जो हैं इस हज भवन यात्रा में जो है वो जा रहे हैं। देखिए कि पप्पू यादव सर, सब लोग हज यात्रा में देश में जो अमन और खुशहाली के लिए पूरे दुनिया के लिए वहाँ दुआ की जाती है। अल्लाह ने नेक इंसान को जिन्होंने इंसानियत और मानवता के लिए हमेशा काम किया, अल्लाह और उसके रास्ते पर चले। और कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में, चाहे कोई धर्म हो, हमारा जो चारों धाम है, जो जितना धाम है, फिर कहीं हम जाते हैं अमृतसर, वहाँ धाम है, मक्का में जो आज अल्लाह ने यहाँ से 5,000 लोग लगभग बिहार से गए हैं, अंतिम कल तक जाएंगे। और मुझको लगता है कि यह एक सुखद पल है सबके लिए, परिवार के लिए भी, पड़ोस के लिए भी, समाज के लिए भी, कि हमारे बीच से कोई एक नेक बंदा को अल्लाह ने अपने पास दुआ में शरीक होने बुलाया। वहाँ जाएंगे हम इस देश की सलामती के लिए, इस देश के मोहब्बत और आम आदमी की खुशहाली के लिए, मुस्कुराहट के लिए, बिहार के 14.5 करोड़ लोगों के अमन के लिए, जिंदगी के लिए, एक अच्छी बेहतरी जिंदगी के लिए, नफरत खत्म हो, इंसानियत बचे, जो पैगाम है हर इस
धर्म मजहब का, भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता, उस पैगाम के साथ वहाँ सबके लिए दुआएं की जाएगी। परिवार से लेकर पूरा देश हमारा परिवार है, पूरा दुनिया हमारा परिवार है। और मुझको बहुत खुशी हुई कि हम अपनों को आज खुशी खुशी से हमने उस जगह भेजा है जहाँ से हर बंदे के लिए, अल्लाह के द्वारा बनाए हुए हर जीव बंदे के लिए वहाँ पर दुआएं की जाएगी। क्या बात की आपने, सबसे बस दुआ, सिर्फ अमन, सिर्फ अमन देश के लिए। हिंदू मुस्लिम का नहीं, नहीं ये हिंदू जहर सब चीज में, जाति में भी तो जहर है, जाति जाति का भी तो, भाषा को लेके भी तो है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मुसलमान तो सिर्फ एक लोग कर रहे हैं, दो लोग, और वो भी सियासत के लिए, जाति क्षेत्रवाद। हम तरक्की के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की, उसके विकास, हिंदुस्तान की जो संस्कृति रही है, तहजीब रही है, हिंदुस्तान का जो पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का जो पैगाम रहा है, सर्वधर्म संभव का जो पैगाम रहा है, सबको अपने तरीके से हिंदुस्तान के संविधान में रह के विचारों की जो आज़ादी का रहा है, वो विचारों की आज़ादी संविधान के मुकबल सबको मिले। और ये भी मैंने कहा कि देश में नफरत खत्म हो और देश के मोहब्बत को किसी की नज़र ना लग जाए, अल्लाह के घर में हम सबकी दुआ कर रही है। तो गंगा जमुना जो तहजीब है वो बरकरार रहे, और देश में जो जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर जो नफरत है वो ख़त्म हो, यही एक तरह से दुआ करते हुए पप्पू यादव जो है वो पहुँचे हैं हज यात्रा के लिए। हज यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनसे मिले हैं, और साफ उनका साफ संदेश है कि लोग जो है अमन चैन से रहे, लोग उनको चाहते हैं, बहुत हैं पप्पू यादव, लोग पप्पू यादव को बहुत चाहते हैं, लोग जो है सेल्फी वेल्फी भी खिंचा रहे हैं। लेकिन बात यही है कि जो गंगा जमुना जो मौजूदा समय में एक सियासत के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, दोनों वर्ग को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़ाया जा रहा है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन करके उभरी है। कहीं राम के नाम पर, कहीं एक तरह से जो है धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर, या दाढ़ी रखने के नाम पर किसी की हत्या कर दी जा रही है। तो ये चीज़ें जो हैं इस देश में नहीं होनी चाहिए। ये देश हमारा सभी धर्मों का है, सभी जात का है, सभी वर्गों का है, लेकिन कुछ लोग सियासत के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और उन्हीं पर पप्पू यादव का कहना है कि जो जहर है उसे बाहर निकल करके अमन चैन विकास और एक तरह से देश में कैसे तरक्की हो, इसके लिए जो है हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और हज यात्रियों को वो शुभकामना दिए हैं जो उनका हज यात्रा जो है वो कल से निकलेगा, और 40 दिन का ये हज यात्रा रहता है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।